हेलो गाइस, स्वागत है आपके एक और न्यू वीडियो में। मैं हूं विशाल वर्मा और ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं हमने इस वैगनार में इंस्टॉल करवाए हैं सीट कवर्स और फ्लोरिंग, जिसका मैं ओवरव्यू आपको देने वाला हूँ आज पूरी इस वीडियो में। आज इसमें मेंटेनेंस इनकी क्या होगी, प्राइस क्या लगा और सभी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे और सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। चलिए पहले डोर को ओपन करते हैं और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप हमारे सीट कवर्स जो हमने हाल ही में इसमें इंस्टॉल करवाए हैं। ये आपको हाफ बकेट सीट कवर्स मिल जाते हैं यहाँ पे। चलिए पीछे की तरफ दिखाता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप कुछ ऐसे सीट कवर्स हमने लगवाए हैं अपनी वैगनार में। ये पूरे एडजस्टेबल हैं और जैसे पीछे की सीट आपको 60-40 मिलती है वैगनार 2012 में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कट भी दिया गया है पहले से ही सीट कवर्स में, ताकि आगे कोई चल के प्रॉब्लम ना हो। चलिए डोर को बंद कर देते हैं यहाँ से। आइए मैं आपको फ्लोरिंग दिखाता हूँ नीचे। यहाँ पर ये मैट्स रखे हुए हैं वैसे नॉर्मल, आगे मैं आपको मैट्स भी दिखाने वाला हूँ क्योंकि हम उसके बाद मैट्स भी लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसकी फ्लोरिंग, ये हमने नॉर्मल फर्स्ट लेवल की फ्लोरिंग करवाई है। सेकंड लेवल की फ्लोरिंग इससे भी बेटर होती है, लेकिन इस लेवल की फ्लोरिंग भी आपकी कार के लिए बहुत ही बेस्ट है। यदि आपकी गाड़ी थोड़ी पुरानी है तो आपको ये भी अच्छे से वर्क कर देगी इसमें। सो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्लोरिंग की फिनिशिंग हुई है यहाँ पे। इस फ्लोरिंग का फायदा दोस्तों यहाँ पर ये रहने वाला है, यहाँ पर कोई भी वैसे लिक्विड चीज़ यहाँ पर गिरती है आपकी या और भी कुछ गिरता है तो वो आसानी से साफ कर सकते हैं आप गीले कपड़े से। यहाँ पर ये फ्लोरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, जैसे कि कंपनी की तरफ से जो यहाँ पर नीचे एक कारपेट आता है पूरा जो गाड़ी में इंस्टॉल हुआ होता है, ये उसके ऊपर लगती है फ्लोरिंग। यहाँ पर इस फ्लोरिंग का प्राइस जो आया है वो 1200 रुपीज़ आया दोस्तों यहाँ पे, और ये बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग हुई है यहाँ पे। यहाँ पर देख सकते हैं जो गाड़ी के पार्ट्स हैं उनके अंदर इनकी फिटिंग की गई है नीचे से इंस्टॉल करके। ये जो सीट्स आप देख रहे हैं ये दोनों सीट्स और पीछे की सीट्स सभी निकल गई थी, क्योंकि इन पे भी सीट कवर्स इंस्टॉल करवाए गए थे और उस टाइम पे ये जो यहाँ पर फ्लोरिंग हुई है नीचे ये की गई है। ये जो गाड़ी का कंपनी की तरफ से प्री इंस्टॉल्ड कारपेट आता है उसी के ऊपर ये की गई है फ्लोरिंग, क्योंकि जो कारपेट होता है वो ज़्यादा गंदा हो जाता है टाइम के साथ साथ, तो इसीलिए फ्लोरिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। कई लोग जैसे ही नई गाड़ी लेते हैं परचेज करते हैं तो वो तभी ही इंस्टॉल करवा लेते हैं, वो थोड़ी इससे बेटर क्वालिटी के करवा लेते हैं क्योंकि उन्होंने न्यू कार परचेज की होती है। तो यहाँ पर ये पुरानी है थोड़ी, तो इसमें ये भी बहुत ही अच्छा वर्क करने वाली है। तो चलिए अब मैं आपको सीट कवर्स के बारे में थोड़ी नॉलेज प्रोवाइड कर देता हूँ। तो सीट कवर्स हमने कुछ इस प्रकार से ये इस डिज़ाइन में डलवाए हैं, देख सकते हैं आप कुछ ऐसा डिज़ाइन मिल जाता है आपको। ये थोड़ा इसमें बीच कलर का आपको ऑप्शन मिलता है और पूरा ब्लैक इंटीरियर मिलेगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी बीच कलर की यहाँ पर स्टिचिंग की गई है, तो ये अच्छे से प्रॉपरली फिटेड है। जो पीछे की सीट्स हैं वो नॉर्मल हैं, बकेट फिट हमने नहीं करवाई हैं, लेकिन जो आगे की सीट्स हैं वो मैंने बकेट फिट करवाई हैं, लेकिन ये हाफ बकेट में है क्योंकि हमारी थोड़ी पुरानी गाड़ी है तो इसमें हमने हाफ बकेट करवाई। जैसे आप न्यू कार परचेज करते हैं तो आप उसमें फुल बकेट फिटिंग करवा सकते हैं, वैगनार 2012 में ये बकेट फिटिंग हाफ में ही होती है। और देख सकते हैं कितने अच्छे से सीट कवर्स यहाँ पर लग रहे हैं, ये डैशबोर्ड का लुक कुछ और ये सीट कवर्स। चलिए आगे से दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आगे से देख सकते हैं तो कितने प्यारे लग रहे हैं ये सीट कवर्स आगे से, और इनमें आप आसानी से साफ भी कर सकते हैं। जैसे आपके सीट कवर्स पे भी कुछ गिर जाता है लिक्विड वगैरह, वेट क्लोथ से भी साफ कर सकते हैं आप इसे, और यदि आप अच्छे से साफ करना चाहें इन सीट्स को तो आप इन्हें क्लीन करने के लिए और ये शाइन करे उसके लिए आप
लाइजोल का यूज कर सकते हैं इनके ऊपर, थोड़ा सा एक कैप लाइजोल यूज कीजिएगा और आसानी से आपकी ये पूरी कपड़े से साफ हो जाती है, क्लोथ से आप इसे क्लीन कर सकते हैं अच्छे से। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से सीट कवर्स हमारे फिटेड हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको कुछ फुटेज दिखाऊंगा पहले की, कि हमारी कार पहले कैसी थी और अब सीट कवर्स लगाने के बाद कैसी हो चुकी है। सो पहले की फुटेजेस मैं आपको दिखाता हूँ अभी इस वीडियो में, और आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि पहले सीट कवर्स कैसे लग रहे थे, जो मतलब सीट कवर्स नहीं थे इस पे, और अभी सीट कवर्स लगाने के बाद ये कैसी लग रही है, और फ्लोरिंग भी आप देख लीजिएगा। सो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमारी आज की, हमें कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा। और हमारा जो ये प्राइस लगा है सीट कवर्स का, मैं बताना भूल गया आपको, जो सीट कवर्स का प्राइस हमारा आया है वो 2300 रुपीज़ आया दोस्तों, और जो फ्लोरिंग का आया है मैं फिर से बता देता हूँ 1200 रुपीज़ आया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए कार्स की ला सकें जल्द से जल्द। तो आज की ये वीडियो में ऐसा ही था कुछ, और सीट कवर्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरह से फिट हुए हैं, और नीचे फ्लोरिंग के भी देख सकते हैं। आगे मैं इसका रिव्यू भी करके दिखाऊंगा कैसे ये परफॉर्म करते हैं, अभी तो लगवाए हैं मैंने, लेकिन कैसा ये फ्यूचर में परफॉर्म करेंगे वो मैं आपको आगे बताता रहूंगा, उसके लिए वेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही जल्द मैं लाने की कोशिश करूंगा, और आगे मैं इसमें मैट्स भी इंस्टॉल करवाने वाला हूँ, और उसकी वीडियो भी मैं जल्द से जल्द आपके पास लेके आऊंगा। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।